दिल्ली में ज्योतिष का ज्ञान अर्जित। दिल्ली की जानी मानी ज्योतिष आचार्य सोनिया यादव द्वारका सेक्टर 19 में ज्योतिष की क्लास लगाती है। उन्होंने अभी तक 50 लोगों को ज्योतिष का ज्ञान दिया। आचार्य सोनिया यादव को ज्योतिष का 10 वर्ष का लंबा अनुभव है और अभी तक ज्योतिष के बड़े बड़े दिग्गजों से अवार्ड भी ले चुकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट SNI न्यूज दिल्ली। और मैम आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, कितने समय से आप इस फील्ड में हैं मैम बताएं। देखिए शिवाजी, मैं इस टैरो कार्ड अपने एस्ट्रोलॉजी में बहुत टाइम से इस लाइन में हूँ, तो कम से कम 10-12 साल हो गए मुझे इस लाइन में आगे। तो शिवाजी मैं यही कहूँगी एस्ट्रोलॉजी अपने घर में सबके साथ होनी चाहिए, परिवार के अंदर। मैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट हूँ, स्पिरिचुअल हीलर हूँ, नाड़ी ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी, हीलिंग्स मैं और पॉमेस्ट्री भी सब कुछ कर लेती हूँ। जी। तो इस काम में मैं बहुत सालों से हूँ, मेरा सेक्टर 19 द्वारका में ऑफिस है। जी जी मैम, कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे ज्ञान है इसमें, बहुत सारी चीज़ें क्लासेज होती हैं, बहुत सारे विषय होते हैं एस्ट्रोलॉजर में, ज्योतिष में। क्या आपके पास कौन सा सब्जेक्ट में आप किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान? देखिए शिवाजी, मैंने अभी सब्जेक्ट्स की बात करी तो मैंने सारी कैटेगरीज आपको बताई है। नाड़ी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड्स है, एंजल्स कार्ड है, हीलिंग्स है, पॉमिस्ट्री है, मतलब ऑकल्ट साइंस में आप जाना चाहेंगे तो इतना मतलब है कि बहुत कुछ है डीपली जाएंगे तो। तो सर ऐसा है कि मैं एक्सपर्ट हूँ टैरो कार्ड में, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स हैं जो और आगे भी निकल चुके हैं और इतने इवेंट्स करते हैं, उनकी खुद के ऑफिस है और वो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर लेते हैं। इससे क्विक प्रेडिक्शन होती है, आप डेली की अपनी दिनचर्या देख सकते हैं, जैसे कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है, फाइनेंस के लिए जाना है, तो ये इतना अच्छा है टैरो कार्ड की जो आपको क्विक प्रेडिक्शन देगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम वैदिक से नाड़ी से हम नहीं जान पाएंगे, वो भी अपनी जगह पर बेसिक बहुत अच्छा है, वो आना बहुत जरूरी है इसको लेते हुए टैरो कार्ड्स को। जी मैम, आप टैरो की आप क्लासेस भी देती हैं? जी बिल्कुल, मैं क्लासेस देती हूँ टैरो कार्ड के, मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जो इतनी आजकल इतना रॉकेट साइंस है, बहुत जल्दी में रहते हैं लोग, इतना फ़ोन में इतना इन्वॉल्व रहते हैं, अपने रिलेशंस को नहीं समझ पाते हैं, तो मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि टैरो कार्ड सीखें, अपने रिलेशन को अच्छा करें, अपनी दिनचर्या को अच्छा करें, मोबाइल पे कनेक्टिविटी जितनी भी है ठीक है, वो मोबाइल नंबर से है। न्यूमरोलॉजी जो मैंने आपको बताया, न्यूमरोलॉजी मोबाइल नंबर से बहुत अच्छी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ से बहुत अच्छी हो सकती है, हम कनेक्ट करके ब्रिज नंबर देते हैं जिससे कि आप अपने सारे मतलब लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है। जी जी मैम, कहीं ना कहीं कुछ लोग टैरोट को, ज्योतिष को समझते नहीं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो नहीं समझते अब उनके ऊपर हम प्रेशराइज तो कर नहीं सकते हैं तो, पर ये है कि आज गांव-गांव तक देश विदेश में टैरो कार्ड तो मैं देख रही हूँ, और ये जितना भी हमारे ये वैदिक है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये विदेशों में जा चुकी है। जी, और विदेशों की चीजें एडवांस हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये नहीं है। देखिए परमात्मा सबके लिए, परमात्मा सबके लिए है, तो ये एस्ट्रोलॉजी जितनी भी है ये हमारा वैदिक है, हमारे पुनर्जन्म से हमारे चलती हुई आ रही है, हमारे पूर्वज इसको करते हुए आ रहे, तरु विद्या भी बोलते हैं हम टैरो कार्ड्स को, कि जैसे एक तोता एक कार्ड निकालता था, तो ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, अच्छी गुड प्रेडिक्शंस होती हैं, सेटिस्फेक्शन होता है, 100% एक्यूरेसी भी होती है। जी 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 मैम, आप कहीं ना कहीं बड़े बड़े शो में भी जाती हैं, अभी हाल ही में एक शो हुआ था उसमें बड़े बड़े ज्ञानी आए हुए थे, आपको अवार्ड मिला, तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? जी सर, अभी 3 तारीख को मेरे का अवार्ड फंक्शन था जिसमें बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनमें जैसे कि हो गए अनिल वत्स जी हो गए, JD वशिष्ठ जी हो गए और इंदु प्रकाश जी हो गए, ये ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग थे जिनसे मेरे को बहुत मान सम्मान मिला है, मेरे को और आगे जाने का मेरे को मेरे अंदर और भी जिज्ञासा हुई है कि मैं इसमें और बहुत कुछ कर सकती हूँ। साइंस में लाइफ कोच हूँ, तो लाइफ कोच में मैं ये चाहती हूँ कि जैसे वो लोग इतना नाम अपना नेम फेम कर बना से, हम उनको जो भी एडिक्शन वगैरह देते हैं, शराब नशाबंदी जो भी है, जो भी वो आप करते हैं नशा वगैरह, उनको प्रेडिक्शन देते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं ताकि उनके रिलेशन खराब ना हो, अगर वो वर्किंग है तो उनका कभी जॉब कोई खराब ना हो, उनका फाइनेंस जो इतना खराब हो रहा है, पैसा उनका खराब हो रहा है, उस चीज़ के लिए हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, कोई प्रेडिक्शन से हम उनको बताते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ से बताते हैं, न्यूमरोलॉजी से उनका सपोर्ट करते हैं, पॉमेस्ट्री अगर चाहते हैं तो वो पॉमेस्ट्री करते हैं। जी मैम, अगर आपसे संपर्क करना हो तो आपसे कैसे संपर्क? जी सर, मेरा द्वारका सेक्टर 19 में ऑफिस है, आप मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं 7531010469 मेरा नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है और ये मेरा FB नंबर भी, आप इसमें मेरी सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं। जी 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 मैम, आपकी आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए सर, प्लानिंग तो कैसे क्या है, इंसान जब सोचे जब जागे तभी सवेरा है, अब इतना आप जा रहे हैं आगे तो अब इतने बड़े दिग्गजों से मिलकर तो आगे और भी ज़्यादा उनको देख के कॉम्प्लेक्स आता है कि हम भी उनके जैसे बने, ठीक है, तो ये है कि मेरा आगे और जाने का मन है, मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ, मैं कई NGO से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं अच्छे स्टूडेंट्स बनाऊँ, अपने सारे रिलेशन जितने भी मेरे लोगों से बने हुए हैं और उनसे और अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिले पब्लिक से। जी जी मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी, चाहे वो आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।